नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। जी हां दोस्तों, दिन भर की स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से हम आपको इस वीडियो में अवगत कराते हैं। तो चलिए एक एक करके उन खबरों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर यहां पे सबसे पहली खबर की अगर बात करते हैं तो वो आ रही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में जो औद्योगिक उत्पादन था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहा हो या डिफेंस में या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें करीबन 4.3% की गिरावट आई है, जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में खराब प्रदर्शन के कारण हुआ है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि IIP के रूप में मापा गया फैक्ट्री आउटपुट सितंबर 2018 में 4.6% बढ़ा था। विनिर्माण क्षेत्र में मंदी देखी गई है, जो एक साल पहले 4.8% की तुलना में सितंबर में 3.9% की गिरावट आई है। तो दोस्तों, एक तरह से ये परेशानी वाली खबर है, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है देश का, वो इस वक्त घाटे में जा रही है और ख़ास करके काफ़ी गिरावट उसमें इस साल आई है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर DRDO को लेकर आ रही है। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और भारत की मेक इन इंडिया नीति को बढ़ावा देने के लिए DRDO ने भारतीय उद्योगों को DRDO द्वारा विकसित तकनीकों के जो पेटेंट है उन्हें मुफ्त में DRDO द्वारा हाल ही में तैयार की गई एक नई नीति में कहा गया है कि DRDO द्वारा भारतीय पेटेंट के उपयोग पर कोई लाइसेंस शुल्क या फिर रॉयल्टी लागू नहीं होगी, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, एरोनॉटिक्स हो, नेवल सिस्टम हो, लाइफ साइंस हो, आर्मामेंट्स हो, कॉम्बैट इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन मटेरियल क्यों ना हो। दोस्तों, ऐसा करने के पीछे DRDO का महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो है देश की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना, ताकि प्राइवेट कंपनी तेजी से DRDO की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल प्रभावशाली रूप से कर सके, ताकि डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले पेटेंट और रॉयल्टी के लिए लाइसेंस शुल्क कई लाखों रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए से अधिक तक होती थी, लेकिन अब DRDO केवल 1000 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क लेगा। दोस्तों, वैसे तो ये DRDO का बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन इस फैसले को करीबन बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि अभी तक इतने सारे पेटेंट DRDO के पास पड़े हुए हैं, वो केवल इसी वजह से नहीं बन पाते थे क्योंकि समय का अभाव और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाता था। लेकिन अब DRDO ने अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया है और अब प्राइवेट फर्म्स जिनके पास सुविधाएं हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए, वो लाइसेंस ले सकती हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर भारतीय सेना की तरफ से आ रही है। भारतीय सेना की मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप को अब एक और उपलब्धि हासिल हो गई है। जी हाँ, मद्रास सैपर्स के हवलदार अनुज कुमार तेलियान ने सोमवार को दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में आयोजित 11वें विश्व बिल्डिंग चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीता। हवलदार कुमार ने 100+ किलोग्राम में ये पदक जीता है। कोरिया के जेजू द्वीप में आयोजित किया गया था ये चैंपियनशिप। दोस्तों, आपको बता दें कि हवलदार कुमार 2010 में मद्रास सैपर्स में शामिल हुए थे। मार्च में पुणे में आयोजित सीनियर नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2018 के दौरान बॉडी बिल्डर ने 100 किलोग्राम में स्वर्ण जीता था। हवलदार कुमार ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ 2018 में पहली बार चैंपियन बनने के लिए 8 साल लगातार मेहनत की थी। दोस्तों, हाल ही में US इंडिया बिजनेस काउंसिल ने फरवरी में डिफेंस एक्सपो के लिए लखनऊ में एक उच्च स्तरीय अमेरिकी कार्यकारी प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की है। जी हाँ, दूसरे 2+2 भारत अमेरिकी मंत्री स्तरीय वार्ता अगले महीने Washington DC में होने की उम्मीद है, जिसकी तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि इस उच्च स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सैन्य सहयोग को बढ़ाने और व्यापार के साथ साथ आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों देशों ने रक्षा व्यापार में $18 बिलियन से अधिक का निष्कर्ष निकाला है। दोस्तों, अमेरिका में रक्षा क्षेत्र में हजारों नौकरियां भारत के कारण उत्पन्न हुई हैं और उम्मीद ये भी है कि अगले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार में कई गुना वृद्धि होगी। इस 2+2 वार्ता के दौरान भारतीय नौसेना के लिए 24 लॉकेट मार्टिन के MS-60 एंटी सबमरीन अटैक हेलीकॉप्टर्स, साथ ही तीनों सेनाओं के लिए 30 जनरल एटॉमिक सशस्त्र ड्रोन शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन पर कहा, अगर बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया जा सकता है तो नियंत्रण रेखा यानी कि LOC भी स्थायी सीमा को समाप्त किया जा सकता है। करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को भी पूरा किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, उन्होंने इस परियोजना का श्रेय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकारी टीम को दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे थे, जिन्होंने इमरान खान की तारीफ में कसीदे गाड़ दिए थे, उनको बब्बर शेर और न जाने किस किस उपाधि से नवाजा। तो दोस्तों, इस तरीके से पाकिस्तान
बोलने को तो ये कह रहा है कि LOC खत्म हो सकती है, लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है दोस्तों। ऐसे में ये लगता है कि जब अपने ही बंदे ख़राब हैं तो हम दूसरे से क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान की तारीफ में कसीदे गाड़े हों, लेकिन दोस्तों हम सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से सिद्धू ने वहाँ पे जाके बयानबाजी की है और भारत के सैनिकों का एक तरह से अपमान किया है, उनकी शहादत का अपमान किया है, इस बात को आप भूल नहीं सकते हैं, हम नहीं भूल सकते हैं इस बात को। दोस्तों हमारे जवानों ने हमारे देश की सीमा पर लड़ते हुए अपनी शहादत दी है और उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। ऐसे में सिद्धू के बयान को लेकर आप क्या समझते हैं, आप ज़रूर मुझे कॉमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएँ। ये क्या देशद्रोह है या नहीं, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। अगर आपका वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि उस कमेंट का जवाब दिया जाए। साथ ही दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।